दोस्तों, आज की इस वीडियो में यहाँ पर आप लोगों के लिए लाए हैं एक 18 इंच का बेस स्पीकर जिसका मॉडल नंबर है L18SW1000। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को हम बताएंगे इस स्पीकर की स्पेसिफिकेशंस, ब्रांड और साथ में दोस्तों हम बताने वाले हैं इसका प्राइस। और यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को ये भी बताएंगे कि इस बेस स्पीकर को हम कौन से एम्पलीफायर में चला लें जिससे हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिले। दोस्तों, इसमें आप लोगों को ये भी बताएंगे कि ये हमें ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए, इसका बेस और परफॉर्मेंस कैसा है। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और जिन भाइयों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। दोस्तों, चलिए यहाँ पर हम स्पेसिफिकेशंस आप लोगों को हम बताते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों ये ब्रांड, तो यहाँ पर आपको आहूजा ब्रांड का देखने को मिल जाएगा और इसका मॉडल नंबर है L18SW1000। और यहाँ पर दोस्तों पावर रेटिंग की बात करें तो ये 1000 वाट का RMS पावर आपको देखने को मिल जाएगा। और यहीं पर दोस्तों हम इम्पीडेंस की बात करें यानी ओम्स की, तो यहाँ पर आपको ये स्पीकर 8 ओम में देखने को मिलेगा। और सेंसिटिविटी की बात करें तो 99 डेसिबल देखने को मिल जाता है। और यहीं पर दोस्तों अगर मैग्नेट वेट की बात करें, जो मैग्नेट देख रहे हो इसका वेट कितना होगा, तो आपको लगभग 5.5 किलो का आपको देखने को मिल जाएगा, 5.65 kg। तो दोस्तों यहीं पर हम बात करते हैं वॉइस कॉइल की, ये वॉइस कॉइल हमें कितने इंच के देखने को मिलेगी। यहाँ पर दोस्तों वॉइस कॉइल आपको 5 इंच में देखने को मिल जाती है। अगर दोस्तों हम टोटल वेट की बात करें यहाँ पर इस स्पीकर की, तो ये लगभग आपको 19.20 लगभग आपको देखने को मिल जाएगा, 19 से 19.5 किलो में लगभग आपको देखने को मिलेगा। और फिलहाल इसे कोई 22 kg तो करता नहीं है, लगभग 19 किलो देखने को मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। दोस्तों इसके प्राइस की बात करें तो ये लगभग मार्केट में 15 से 16 हज़ार में देखने को मिल जाएगा। हम लोग एक आइडिया आप लोगों के साथ बता देते हैं कि ये इतने तक आपको देखने को स्पीकर मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर हर एक मार्केट के प्राइस अलग अलग होते हैं। आपको 15 से 16 हज़ार में ये एक स्पीकर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं एम्पलीफायर कौन सी यूज़ करें जिससे आपको काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखने को मिले। और दोस्तों ये भी आप लोगों को हम बताएंगे कि इस स्पीकर को हम खरीदें ना खरीदें और बेस और पंच कैसा रहेगा, वाइब्रेशन कैसा रहेगा, ये भी आप लोगों को बताते हैं। तो चलिए यहाँ पर एम्पलीफायर को हम जान लेते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को 4 बेस चलाने हैं तो यहाँ पर आप आहूजा LXA 6000 में आप जा सकते हो, जो कि 3000 वाट का आपको RMS पावर देखने को मिल जाता है। तो बेस के लिए अगर आप मतलब डुबल बेस चलाना चाहते हो तो आप एक चैनल पर एक बेस डुअल और दूसरे चैनल पर आप 2 डुअल बेस। अगर सिंगल चलाना था तो 4 बेस चल जाएंगे, 2 बेस इधर 2 बेस उधर, यानी कि एक चैनल पर 2 बेस और दूसरे चैनल पर 2 बेस। अब दोस्तों इसका रिस्पांस कैसा रहेगा ये भी आप लोगों के साथ हम शेयर करने वाले। दोस्तों अगर आप लोगों को ये लेना है तो यहाँ पर इसका वाइब्रेशन जो है काफ़ी हद तक बहुत ही अच्छा वाइब्रेशन है, सो इसे आप परचेज़ कर सकते हो। और यहाँ पर आपको 99 डेसिबल के देखने को मिल जाती है, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पर वाइब्रेशन देने वाला है और पंच भी काफ़ी अच्छा रहेगा और बेस भी काफ़ी अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा ये बेस देगा, तो यहाँ पर और पंच भी इसका काफ़ी अच्छा है, लेकिन वाइब्रेशन के मामले में काफ़ी अच्छा ये रहेगा बेस स्पीकर। तो यहाँ पर हम बात करते हैं प्राइस की, तो फिर प्राइस तो भैया आपको बता ही दिया है, इसके लिए सॉरी, आपको बताया ही है 15 से 16 हज़ार में आपको देखने को मिल जाएगा मार्केट में। दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और दोस्तों इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।